डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पिछले टर्म लास्ट टर्म पर आपको मैंने फर्स्ट पार्ट का फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का फिजिकल वर्ड रिलेशन के टॉपिक्स कराए थे। आज मैं फिजिक्स पार्ट टू जो है आपका उसका फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट लेसन कराने जा रहा हूँ। फिजिक्स पार्ट टू का टॉपिक आपका लेसन है उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका इलास्टिसिटी। इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है इसके पहले समझिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता। इसमें सबसे पहली बात आती है, एक होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसे हम विरूपक बल कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स यानी विरूपक बल क्या होता है? व्हिच फोर्स चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी नोन एज ए डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी जो बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर दे बेटा, उसे क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। व्हिच फोर्स चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी नोन एज ए डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे आपने किसी स्प्रिंग को खींचा, खींचने पर आपने फोर्स लगाया, उसका साइज क्या हो गया? चेंज हो गया। आपने किसी स्पंज को आपने प्रेस किया, उसको दबा दिया, तो क्या हो गया? उसका साइज क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये आपका जिस फोर्स के ड्यू टू ये होता है उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, यानी विरूपक बल कहते हैं। विच फोर्स चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी नोन एज ए डिफॉर्मिंग फोर्स। फर्स्ट आर्टिकल इलास्टिसिटी है। जैसे इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा, जब किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसकी लेंथ क्या हो, वो बढ़ जाती है। जैसे ही हम उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, अपनी फिर से उसी अवस्था में आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब किसी वस्तु पर कोई हम विरूपण यानी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप और साइज में क्या होता है, चेंज हो जाता है। जिस गुण के कारण आप बल हटा लेंगे तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी, उसी को हम प्रत्यास्थता बोलते हैं। When we apply deforming force on a body, then change the shape and size of the body, due to which property body regains its original state or initial state known as a elasticity. एंड दिस बॉडी नोन एज ए एलास्टिक बॉडी। मैंने क्या बताया, वेन वी अप्लाई ए डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन ए बॉडी देन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी रिगेन्स इज इनिशियल स्टेज आर पोजिशन नोन एज ए एलास्टिक। इसमें एक आता है प्रत्यास्थता सीमा क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ का आप शेप साइज चेंज करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी है, स्प्रिंग खींचा आपने छोड़ दिया अपनी स्टेज में आ गई, और खींचा छोड़ दिया अपनी स्टेज में आ गई, और खींचा छोड़ दिया तो अपनी स्टेज में नहीं आ पाएगी। जैसे आप किसी हाथ को मोड़िए, मोड़ के छोड़ दीजिए अपनी स्थिति में आ जाएगा, और मोड़िए छोड़ दीजिए अपनी स्थिति में आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जब मोड़ देंगे तो एक आवाज़ आएगी लेकिन उसका धार अपनी स्थिति में नहीं आएगा, वही होती है इलास्टिक लिमिट। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू जिससे एबव फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर बैक नहीं हो पाती है, उसे बोलते हैं हम इलास्टिक लिमिट यानी प्रत्यास्थता सीमा। दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स व्हेन वी अप्लाई एबव दिस फोर्स बॉडी नो कम बैक इज इनिशियल स्टेज नोन दिस वैल्यू इज नोन एज ए इलास्टिक लिमिट। अब इसके बाद आते हैं स्ट्रेस पर। स्ट्रेस इसको कहते हैं हिंदी बेटा प्रतिबल बोलते हैं। देखिए स्ट्रेस क्या होता है, एफ अपॉन ए, इफ ए इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर देन इक्वल्स टू एफ। देखिए जब किसी बॉडी को हम खींचते हैं या प्रेस करते हैं तो उसके मॉलिक्यूलों के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है जो इस पोजीशन का अपोज करता है यानी विरोध करता है। तो ये क्या होता है,
इस फोर्स को क्या बोलते हैं आप, डिफाइन इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स एक्ट ऑन ए यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया नोन एज ए रीस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन ए यूनिट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया नोन एज ए स्ट्रेस, नोन एज ए स्ट्रेस। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया नोन एज ए स्ट्रेस, इट्स यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट्स क्या होता है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, पहला होता है नॉर्मल स्ट्रेस। ये टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टेंशनियल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखिएगा, सपोज करिए आपके पास सिलेंड्रिकल वायर है, ये आपके पास सिलेंड्रिकल वायर है, आपके पास इसका लेंथ क्या बेटा, स्मॉल एल, कैपिटल एल मान लीजिए, और आपने इस साइड से आपने इस पर इसके एंड्स पर सिलेंड्रिकल जो है इसके एंड पर आपने आउटसाइड सेम इन मैग्नीट्यूड, आपने अपोजिट डायरेक्शन में सेम इन मैग्नीट्यूड आपने फोर्स अप्लाई किया, आपका अप्लाइड फोर्स ये हो गया आपके पास कैपिटल एल प्लस डेल्टा एल। तो ये हो गया टेंशनल स्ट्रेस हो गया, यानी कि आप ये बोल सकते हैं यहां पर बेटा कि इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया नोन एज ए नॉर्मल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, सपोज करिए ये सिलेंडर है आपके पास, एल लेंथ का सिलेंडर है आपके पास, अब आपने इसको दोनों बोथ साइड से आपने इसको कंप्रेस किया, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये हो गया आपके पास L माइनस डेल्टा L हो गया, कम ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस टू टाइप्स की होती है, टेंशनल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। सेकंड आता है आपका ट्रांजिशनल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। देखिएगा टेंशनल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, आपने क्या किया इसको इस तरह भी आप सपोज कर सकते हैं, ऐसे सपोज के लिए एक आपने प्लेन लिया, इसके वन एंड को आपने फिक्स कर दिया और अदर एंड पर जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे स्ट्रेस क्या होता है, आप इसमें टेंसर फोर्स लिया, आपके ट्यूब है और आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो इसमें इसका जितना एंगुलर चेंज होगा, वर्टिकल से जो भी
इंस्ट्रूमेंट आएगा जिसके ड्यू टू आएगा उसे आप क्या बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस और ट्रांजिशन स्ट्रेस। फोर्स, ट्रांजिशनल फोर्स, ट्रांजिशनल फोर्स अप्लाइड यूनिट पर यूनिट एरिया नोन एज ए शेयरिंग स्ट्रेस, नोन एज ए शेयरिंग स्ट्रेस पर यूनिट इंटरनल या अप्लाइड ट्रांजिशनल फोर्स पर यूनिट एरिया नोन एज ए शेयरिंग स्ट्रेस और ट्रांजिशनल स्ट्रेस। इतनी बात क्लियर हो गया बेटा? देखिए बेटा थर्ड आपका टाइप है हाइड्रोलिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। देखिए जब कोई बॉडी है, किसी बॉडी पर आप क्या कहते हैं यूनिफॉर्म फोर्स उसके और साइड से आर साइड से अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाइड द यूनिफॉर्म फोर्स टू द बॉडी, यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी देन चेंज इट्स शेप, देन चेंज इज चेंज इज वॉल्यूम बट उसके ज्योमेट्रिकल साइज चेंज नहीं होगा। जब किसी बॉडी पर यूनिफॉर्मली फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा बट उसका ज्योमेट्रिकल शेप चेंज नहीं होगा। तो देखिएगा तो करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा नोन एज ए हाइड्रोलिक स्ट्रेस। व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स ऑल साइड ऑफ द बॉडी देन चेंज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बट नो चेंज ज्योमेट्रिकल शेप देन करस्पॉन्डिंग फोर्स नोन एज ए हाइड्रोलिक स्ट्रेस। यानी किसी बॉडी पर आप यूनिफॉर्मली एक समान बल सभी तरफ से आरोपित करते हैं, आरोपित करने पर उसका वॉल्यूम तो चेंज होगा बेटा लेकिन उसका ज्योमेट्रिकल शेप जो होगा वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे अप्लाइड फोर्स को हम क्या बोलते हैं परिमित एरिया पर हाइड्रोलिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। इसका भी फार्मूला होगा, बल्क स्ट्रेस का फार्मूला है एफ अपॉन ए, फोर्स अप्लाइड ऑन ए पर यूनिट एरिया नोन एज ए हाइड्रोलिक स्ट्रेस इट्स यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे बेटा स्पेयर है, स्पेयर पर आपने क्या किया है आपका वॉल्यूम वी नॉट है और अब आपने जब फोर्स अप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम कंप्रेस करने पर क्या हो गया, चेंज हो गया लेकिन इसका वॉल्यूम आपका स्पेयर से स्पेयर सी स्पेयर ही रह गया, ठीक है। और अगर आप देखिएगा यहाँ पर यह क्यूब दिखाई पड़ रहा है, इसको आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पर इसका भी शेप और साइज के शेप और क्या कहते हैं आपका ज्योमेट्रिकल शेप बिल्कुल सेम है बट इसमें क्या कहते हैं इसको एक फोर्स अप्लाई किया है, इसको आप बोलेंगे बल्क स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। व्हेन वी अप्लाइड यानी जब किसी वस्तु पर हम यूनिफॉर्मली यानी एक समान बल आरोपित करते हैं सभी दिशाओं से तो उसके शेप तो उसके वॉल्यूम में चेंज होता है लेकिन उसके ज्योमेट्रिकल शेप में कोई चेंज नहीं होता है। तो ऐसे अप्लाइड फोर्स को पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स यूनिफॉर्मली फोर्स ऑन ए बॉडी देन चेंज इट्स वॉल्यूम बट डज नॉट चेंज इट्स एज ज्योमेट्रिकल शेप द करस्पॉन्डिंग फोर्स नोन एज ए हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड बल्क स्ट्रेस। तो मैंने आपको बेटा बताया इलास्टिसिटी बताई, डिफॉर्मिंग फोर्स बताया, स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, इनको आप शेयर करिएगा और इनके नोट्स कंप्लीट करके वर्क जरूर सेंड करिएगा बेटा, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे बेटा आपको। थैंक यू बेटा।